मनीष पॉल की फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है ब्लैक ब्रीफकेस, एक टेररिस्ट की लाइफ पर बेस्ड है, जिसके प्रीव्यू में आज हमारे साथ हैं एमएस बिट्टा जी, जिनसे हम बात करेंगे। हेलो सर, आपने फिल्म देखी जो कि एक टेररिस्ट की लाइफ पर बेस्ड है, कैसी लगी, क्या आप कहेंगे, क्या मैसेज था इसमें? सबसे पहली बात तो ये जो मूवी डॉक्यूमेंट्री जो भी इन्होंने बनाया है, ये सारा नेचुरल है, कोई कैमरा नहीं लगा है और नेचुरल सारा शूट हुआ है। उससे वो चीज़ ये भी दिखाता है कि हर व्यक्ति को चौकस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नेचुरल सारा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि एक टेररिज्म के ऊपर चले जाना, फिर माँ की ब्लेसिंग से, माँ के विचारों से माइंड बदल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझूंगा ये जो हमारी पिक्चर है, ये एक युवा पीढ़ी को, किसी कौम मजहब का हो, किसी का विचार कहीं टेररिज्म के ऊपर गलत विचार की तरफ जा रहे हैं, वो एक नया रास्ता जरूर देगी। इसका मैं बहुत मनीष पाल जी को, उनके भाई साहब को, सब परिवार को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए उदाहरण है, एक अनुभव है। और मैं भी इसमें जो भी कर सकता हूँ, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सोशल फंक्शनों में इसको चलवाऊंगा, ताकि युवा पीढ़ी को एक नया रास्ता मिले। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा आपकी तरफ से इस फिल्म को लेके। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि युवा पीढ़ी को मैसेज देगी, 2020 रेफरेंडम के बारे में क्या कहेंगे, वो भी एक देश को तोड़ने वाली बात होती है। तो वो तो खत्म हो गई ना कहानी, हमारे हजारों नौजवान थे वहाँ, 500 भी नहीं हुए, करोड़ों रुपया इकट्ठा किया, डॉलर इकट्ठे किए और हुआ कुछ भी नहीं, वो तो कहानी खत्म हो गई, वो तो टॉपिक बंद हो गया, वो जो गुब्बारा था गुब्बारा फट गया, सामने लोगों के सामने आ गई बात की रेफरेंडम नाम की कोई चीज़ नहीं। ऐसे तो कई रेफरेंडम होते हैं, आप कोई सीरियस इस मामलों में नहीं होगा, ये क्लियर हो गया। और MH1 ने जिस तरीके से पूरे राष्ट्र के सामने एक और चैनलों से भी ज़्यादा एक अलग तस्वीर पेश की है, मैंने देखा है, मैं बहुत आपको मुबारकबाद देता हूँ MH1। एक सवाल और है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी आज नहीं रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी नहीं पता चला, अभी उनकी आज आ गया है 5 बजे, पर मैं अभी नहीं कह सकता, जितनी देर तक मैं देखा नहीं सुना नहीं। हम तो कहते हैं हमारी उम्र भी ऐसे एक बहादुर और ऐसे राष्ट्रभक्त इंसान को लगे, हम उनकी दुआएं करेंगे कि उनकी उम्र लंबी हो, उन बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक हो, मैं यही कहना चाहूँगा। हमारे हजारों नौजवान थे वहाँ, 500 भी नहीं हुए, करोड़ों रुपया इकट्ठा किया, डॉलर इकट्ठे किए और हुआ कुछ भी नहीं, वो तो कहानी खत्म हो गई, वो तो टॉपिक बंद हो गया, वो जो गुब्बारा था गुब्बारा फट गया, सामने लोगों के सामने आ गई बात की रेफरेंडम नाम की कोई चीज़ नहीं। ऐसे तो कई रेफरेंडम होते हैं, आप कोई सीरियस इस मामलों में नहीं होगा, ये क्लियर हो गया। और MH1 ने जिस तरीके से पूरे राष्ट्र के सामने एक और चैनलों से भी ज़्यादा एक अलग तस्वीर पेश की है, मैंने देखा है, मैं बहुत आपको मुबारकबाद देता हूँ MH1। एक सवाल और है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी आज नहीं रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी नहीं पता चला, अभी उनकी आज आ गया है 5 बजे, पर मैं अभी नहीं कह सकता, जितनी देर तक मैं देखा नहीं सुना नहीं। हम तो कहते हैं हमारी उम्र भी ऐसे एक बहादुर और ऐसे राष्ट्रभक्त इंसान को लगे, हम उनकी दुआएं करेंगे कि उनकी उम्र लंबी हो, उन बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक हो, मैं यही कहना।